तुम जिस रोना रो रहे हो और सोचो एक आदमी जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे एक ऊपर तांत्रिक इफेक्ट हुआ, फिर मैं अमुक के पास पूजा करने गया, अमुक के पास झाड़ झुंकड़ करने गया, हो गया, और उसके बाद जब वापस मैं घर में आया या कुछ दिन के बाद फिर होने लगा, ठीक है। और फिर दूसरा बोलते हो कि ये करा लिए, ये ताबीज़ पहना लिया और वो किया, फिर कुछ दिन के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ। दस आदमी के पास, दस तांत्रिक के पास गया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तांत्रिक के पास नहीं गए, तांत्रिक हाँ। समझ लीजिए कि तांत्रिक गलत ही है, मतलब अपना तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो आपको सोल्यूशन तो दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे, लेकिन कुछ महीना बीतेगा तो वही आपका प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको बार बार दौड़ाते रहेंगे और पैसा खींचते रहेंगे। तो ये चीज हमको अच्छा से पता है, तो इसीलिए किसी के पास हम अचानक से चट से जाते नहीं है। तो वही कह रहा हूँ ना, ये बात बताओ, ये जो आप आए हो, आप मेरे जिंदगी में पहला बार आए हो, इससे पहले 1000-2000 और आए होंगे। जिनको उतना पीड़ा होगा तो ही तो आएगा ना, है कि नहीं? अगर तुम्हें पीड़ा है तभी तो आए हो। अच्छा, अभी ये कह रहा हूँ मैं, ये जितना भी इस प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं हैं और जो भी आप हमारे मन में और हमारे जीवन में और हमारे जैसे परिवार में इस प्रकार का प्रचंड प्रॉब्लम होने लगता है, ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए कि ऐसे को काउंटर करने के लिए खुद को प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि देखो, इनिशिएट कर देगा तुमको, कवच कुंडल अर्गल दे देगा तुमको, ताबीज अबीज दे देगा, तुम्हारे लिए पूजा पाठ कर देगा, तुम्हारा सोल्यूशन हो गया, लेकिन पकड़ लो, जैसे तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा दुश्मन फिर और एक बार कर रहा है, फिर एक बार कर रहा है, फिर एक बार कर रहा है, फिर उनको पता चल जाता है, हम कहीं पूजा किए, पाठ किए, उनको पता चला, फिर से किए। हाँ भाई, किए होंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा बात को हाँ कह रहा हूँ। अच्छा, फिर देखा, फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर चला तुम किसी और तांत्रिक के पास, फिर उसके पास गया, वहाँ कुछ पूजा वूजा कर दिया, ताबीज उबीज पहना दिया, पानी उनी दे दिया, तंत्र उंत्र साफ कर दिया, तुम फिर कुछ दिन ठीक हो गए, डेढ़ महीना, दो महीना, दो महीना के बाद देखा कि फिर ऐसा प्रॉब्लम है। हैं, कब से शुरू हुआ बाबू ये? तो देखना, पर्टिकुलर किसी एक महादशा से शुरू हुआ, राहु महादशा से शुरू हुआ, 2011 से स्टार्ट है। हाँ, तो 2014 से 15 से उग्र रूप लिया जो कि अभी तक चल रहा है। हाँ, तो यही चीज मंगल के महादशा में नहीं हुआ ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये कभी बचपन से लेके बिफोर स्टार्टिंग द राहु महादशा, हाँ, हम महाराज जी कभी जिंदगी में हम नहीं सोचे थे, हाँ, कि मेरा ऐसा सिचुएशन आएगा आएगा इतना, हाँ, खतरनाक भयानक, ठीक है, वो प्लेसमेंट ऑफ राहु है ना। अभी मैं ये भी कह रहा हूँ, अभी जब तुम्हारा राहु महादशा खत्म हो जाएगा, वो उस समय तुम मेरे पास एक बार जरूर आना, नहीं तो फोन करना। 2029 में खत्म होगा, तब तक तो हम पता चलेगा कि हम ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कि एक बार फोन करना है ना। मैं बोला क्या, तो वो तुम उस समय मतलब मर जाओगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राहु महादशा का पूरा बेस टाइम पीरियड तुमको ऐसे ऐसे समस्याएं दे रहे हैं, है कि नहीं? ओके, तो जब राहु महादशा का पीरियड में तुम तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र जंतर, तुम्हारा जो भी डैश वाई एक्स वाई जेड तंत्र मंत्र जंतर, तुम्हारे अपने लोग तंत्र मंत्र जंतर करके तुमको पेस के भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन ऊपरी हवा तुम्हारा घर को बांध दिया, तुम्हारा बाप को बीमार कर दिया, तुम्हारे घर में समस्या कर दिया, तुम्हारा जिंदगी को पस्त कर दिया, तुम्हारा बड़ा नौकरी था वो छूट गया। मानता हूँ भाई, मैं नहीं मानता हूँ बोल के नहीं बोला, हाँ एकदम हाँ, और उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, राहु तुम्हें पकड़ा कि मेरे को? राहु का महादशा तेरा या मेरा? मेरा है। तुम्हारा है ना, ओके। मेरे को मेरा महादशा चल रहा है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे जितना सब समस्या कह रहे हो, हमारे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान के अनुसार, हमारे तंत्र विज्ञान के अनुसार, हमारे ऑकल्ट साइंस के अनुसार, हम जो देख रहे हैं वो सही समझ रहे हैं या तुम जो देख रहे हो सही समझ रहे हो? तुम जो देख रहे हो तुम्हें सही है, हाँ। मैं जो देख रहा हूँ मैं सही हूँ, आपको सही है, हाँ। और मैं अगर इनके नहीं देख पाया और ब्रह्मा जी को डायरेक्ट फोन करता हूँ, हाँ सर, ब्रह्मा जी चार सर वाले चार मुड़ी दाढ़ी वाले पदम फूल लेके इधर आओ, थोड़ा इसको समझाया जाएगा, बताओ समझा सकता है क्या? नहीं ना,
क्योंकि तुम जो देख रहे हो तुम्हारे लिए सही, मैं जो देख रहा हूँ मेरे लिए सही। ब्रह्मा भगवान पद्म फूल के ऊपर नारायण के पेट से नाभि से निकला हुआ एकदम प्लेन में भी आ जाए यहाँ, उनको जी जो दिख रहा है वो भी सही। लेकिन एक बात बताओ, किसी माए का लाल में दम है जो राहु महादशा वाला को समझा दे, एक ठो लेके आ जाओ, एक हम करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, करोड़ नहीं बोल रहे करोड़। काहे, हर आदमी को अपना अपना विजुअलाइजेशन और विजन है। जैसे आप अब तक मेरे को ये सिद्ध सतसिद्ध कर दिए कि ये सब तंत्र मंत्र है, और कौन सा वेद बोले, अथर्व वेद का आप वेदाधिपति हो और उसमें लिखा गया। अरे हाँ, आप बोल रहे तंत्र मंत्र जंतर अथर्व वेद में है, आप वेद पढ़ के एकदम वेद पाठी हो गए, एक वेदी बन गए है ना, और हम लोग गदाधिपति हैं। अच्छा एक हाँ, जब हम बोलना स्टार्ट किए हाँ, हम बार बार मेंशन किए हैं हाँ, कि हमको ठीक है हम इस तरह से मतलब कि एजुरेंस है यहाँ इस तरफ, मेरा जो मतलब विजन मतलब कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है ओपिनियन है ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन हाँ मैं भी बार बार ये भी बोला कि हाँ ये हो सकता है ग्रह दशा चीज को करा रहे हैं। नहीं चलो ग्रह दशा को काटो यहाँ से, ठीक है ग्रह को हटाओ, बार बार जब भी बोले ये वाला चीज मेंशन किया। अरे महाराज सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ ना ग्रह दशा को काटो यहाँ से हटाओ, क्योंकि राहु जब सूर्य के साथ युति करते हैं इस तरह का प्रॉब्लम देते हैं, देते हैं ना हाँ। जानते हो ना हाँ। पढ़े हो ना हाँ। तो फिर काहे अथर्ववेद को बीच में घुसाड़ते हो, ठीक है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मजाक करते हैं कभी कभार, हम नॉट सीरियस हैं, मैं समझ रहा हूँ बात आपका हाँ। मैं ये कह रहा हूँ ये कंडीशन पे एक ही रिश्ता बनता है कि इनिशिएट करा दिया, लेकिन आपको इसके ऊपर साधनाएं करने पड़ेंगे और आपको ही पुलिस बनना पड़ेगा घर का चोर भगाने के लिए। जब तक खुद पुलिस नहीं बनते हो और दूसरे के आशा में बैठते हो कि अमुक पुलिस को बुलाएंगे सीबीआई को दे देंगे, सीबीआई वाले अपना इन्वेस्टिगेशन करके बैठा रहेगा, लेकिन जब तुम खुद पुलिस बन गए चोर कहाँ आएगा बताओ। जब तुम बीमार तब तक पड़ते हो ना जब डॉक्टर के पीछे पड़ते हो, डॉक्टर का बाप का क्या जाता है, डॉक्टर बोलेगा दवाई खाओ मेरा फीस देते रहो बीमार पड़ते रहो, तांत्रिक बोलेगा मेरा बाप का क्या जाता है, तंत्र मंत्र जंतर होने दो आते रहो ताबीज बंधवाते रहो टीका चेतन लगाते रहो मेरा दक्षिणा देते रहो तेरा काम होता रहे। ऐसे ही मैकेनिक को अगर सोचो, हम एक बुलेट चलाते हैं पुराना हो गया है, मैकेनिक के पास जाएंगे तो 5,000-10,000 का बिल बनाते रहेगा, एक तो खुटू छोड़ा होगा, खुटू होगा तो फिर आएगा, समझा ना। सोचो बुलेट का चेन है बड़ा समस्या देता है, तो तुम अगर दुकान के पास गया या कंपनी के पास गया या मैकेनिक के पास क्या करेगा जानते हो, चेन तो टाइट कर देगा, तुम थोड़ा इधर उधर हुआ जो नीचे का जो एक्सेल सेल है ना उसको ढीला कर देगा, बस एक थ्रेड ढीला कर दे तो सीधा कितना लगा कल 5,000 का बेल्ट चेन पॉकेट चेन क्या हुआ। अब जाएंगे कहाँ, उसी के पास जाएंगे ना, क्या किया था एक छोटा सा गलती, क्या बेस बोल्ट को ढीला मार दिया, दो थ्रेड पता भी नहीं चलेगा। तो तांत्रिक डॉक्टर और जितना सारा ही जो क्या बोलते हैं डॉक्टर तांत्रिक और मैकेनिक, लेकिन हाँ इससे अच्छा है हाँ, तुम खुद डॉक्टर बनो, लेकिन जो जेन्युइन रहेगा हाँ ठीक है वो आपको 100% सोल्यूशन करके देगा। तो जेन्युइन बोल के जेन्युइन मिलना बहुत मुश्किल है। अरे यार ठीक है, तो आप जेन्युइन कहे नहीं बनते, ठीक है आपको जेन्युइन बनने के लिए कौन मना किया, जब आप सुनो मेरा गुरु क्या बोलते, लेकिन आप अपना जगह पे जेन्युइन है ठीक है, इतना रियलाइजेशन हो चुका है। नहीं आपको ना रियलाइज हुआ, इसलिए तो बोल रहे हैं कि यू बी ए प्रैक्टिशनर, नहीं तो हम बोलते ला पैसा लगाता भी चल झाड़ते हैं, मुर्गा एक ठोला मोड़ते हैं, बकरा एक ठोला हलाल करके बलि देते हैं, बोलने में हमको प्रॉब्लम है, हम जो बोलेंगे तुम वही विश्वास के में तो आए हो, ये सब चक्कर हम नहीं पड़े हैं। तो वही तो कह रहे हैं, नहीं समझे, किसी का प्राण दे के अरे अपना सुख का मतलब कामना करना, अरे हम वो मेरा नजर में फिर बौखला रहे हो यार, बोल एक रहे हैं सुन एक रहे हो समझ दूसरा रहे हो यार, समझे ना। हम क्या कह रहे हैं, बी योर ओन पुलिस, बी योर ओन डॉक्टर, बी योर ओन तांत्रिक और उसके लिए काम करो, यही कह रहे हैं ना। हम तो नहीं बोल रहे कि लूटे तेरे को, पहन ताबीज लकाराओ पूजा खर्चा कराते हैं पंडित को दे दक्षिणा, नहीं तो बोल रहे, हम बोले तो तेरा एक पैसा नहीं छुएंगे, बात समझ में आ रहा। तो ये इसमें ये मेरा मकसद है, ये आप दूसरे का भरोसा में जो जी रहे हो ना कि अच्छा तांत्रिक ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे, जितना खर्चा किया और जितना टाइम की बर्बाद किया ना इसने में, कितना साल से 2016 से अब कितना हुआ 2023, कितना साल हो गया
हो गया 8 साल। 8 साल ना, 8 साल में अगर माला लेके बैठे होते ना, अब तक जितना तांत्रिक लोग तेरे चरण छूता के, जैसे आज तुम मेरे पास आए हो ना, तुम 8 साल में अगर माला लेके बैठे होते, हवन करते रहते, तो आज के डेट में ना बड़ा बड़ा एकदम झोल झक्कड़ लगा के, एकदम झटाझुट लगा के, बाबा भैरवनाथ, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश। हाँ, बाबा मुकेशानंद सरस्वती, है लो आशीर्वाद, एकदम खुश जा, बीमारी छुट भक, समझे ना? इतना पावर हो जाता है यार। तुम आज दौड़ दौड़ के ये 5 किलो 10 किलो घी, हवन, साकल्य, पूजा सामग्री लेके आए हो, अब तक तुम डॉक्टर बन चुके होते। 5 साल का साधना तपस्या कोई मजाक थोड़ी है। कितना, 16 17 18 19 20 21 22, कितना साल हो गया? 7 साल। हाँ, 8वां साल लग गया। फिर भी वही कर रहे हो, भ्रम भय 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 भ्रम आपद शून्यम छ, यही कह रहे हैं और हम ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, समझ गए। ठीक है ना, आपको ठीक है, अभी आपका ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, आपको जो जो चाहिए वो सब करा दे रहे हैं, लेकिन बेटा क्योंकि तेरे घर में तेरा दुश्मन बैठा हुआ है ना, तुमको कितना भी कराओ वो फिर अटक करेगा, फिर अटक करेगा, फिर अटक करेगा। भूल भुलैया वाला फिल्म देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, वही है, लाल वाला पहना दे, सिंदूर लगा देंगे और इधर धूप बत्ती लगा देंगे, फिर दौड़ेगा वाला पानी से जंप करके, पानी से बच के, पानी फट के कूदेगा। खेल भी ऐसा होता है ना? तो डोंट वरी सर, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, मैं एश्योरेंस देता हूँ। लेकिन ये दिमाग में बनाओ कि ऐसे मैटर के लिए हमें खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। और याद रखना, मेरा गुरुदेव का एक बात हमेशा, आज शरीर में नहीं है डॉक्टर पूर्णचंद्र जी, लेकिन बता दे रहा हूँ, मेरा गुरुजी बोलते हैं कि एक बीमार, एक पेशेंट इतना बेस्ट डॉक्टर हो सकता है कि MBBS डॉक्टर को पढ़ा सकता है। एक गाड़ी से जिसका जिंदगी में, देखो जिसका शनिच और शुक्र अगर अष्टम में बैठा हो, जिंदगी में गाड़ी का प्रॉब्लम देता है, कहीं भी जाएगा शांति से जा नहीं सकता। ठीक है, इसका गाड़ी में बैठ के आया ना, कैसा लग रहा है इसका गाड़ी? सही लगा। सही लगा, चेहरा देख रहा है ना गाड़ी का, समझ में आ रहा है, शनि शुक्र पीड़ित। तो मेरा भी शनिदेव अष्टम भाव में है। अरे वो तो है, मकर राशि। हाँ, तो ऐसे लोगों का राशि में स्थित है, लेकिन त्रिकोणिस भी है। हाँ ठीक है, अरे आप बड़े ज्योतिष को समझते हैं हम, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना पड़ता है जानते हो? खुद का मैकेनिक खुद बनो, गाड़ी खराब होगा बना के चलो। तो ये डॉक्टर का बात बता दिया, मैकेनिक का बता दिया, और तुम्हारा ग्रहण दोष है, राहु के साथ सूर्य बोल रहे हो ना। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ जिंदगी भर ये प्रॉब्लम है, तो खुद तांत्रिक बन जाओ। चलो, ए ग्रेड का नहीं बने, ए टाइप कंट्रैक्टर नहीं बने, बी टाइप नहीं बने, सी टाइप नहीं बने, चालू कंट्रैक्टर बन जाओगे, समझ में आ रहा है? धोती वोती पहन के बड़ा बड़ा चीता चेतन इधर लगा देना है, राहु इफेक्टेड लोग बढ़िया बनता है तांत्रिक, हम भी दिखाएंगे तुमको। इधर बड़ा बड़ा चीता लगा देगा, ऐसा लगा देगा, धोती वोती पहन के, 8-10 रुद्राक्ष पहन के जो रास्ता में धोती और खड़ाऊ मार के चलेगा ना, ओरिजिनल तांत्रिक भी डर जाता है इनको, एकदम प्योर तांत्रिक होगा, शमशान घाट में बैठने वाला मसानी तांत्रिक देखेगा ना, तो 2 मिनट के लिए खोप खा जाएगा, बेटा ऐसे कुछ करे तो बेटा मार न दे, ठीक है ना? तो वो बनना चाहिए, और आए हो इसलिए बनने के लिए, बना जाए खुद का ट्रीटमेंट खुद। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो खा पी लो और फिर